everyone. Here we have a patient for rhinoplasty. He complains of a flat nose and a broad nose. So if you have a look at him, yes, he doesn't have adequate nasal projection. And also his alar flare is a bit too much. He feels it's not proportional to his face. He has breathing difficulty on the left side. He gives a history of trauma, injury to the nose around 12 to 13 years back. Post that, he had severe breathing difficulty. He has underwent a septoplasty from what the records that he says because of breathing issues. That was also done around 12 to 13 years back. Currently, he wants both breathing and cosmetic issues to resolve. Cosmetic, why? Because the flat nose, he has no dorsum, there is no tip support, it's drooping down. Also, the alar base or alar flare is a bit too much for him. So we'll be working on all that. We've seen his scans, we've told him about the possibility of a rib harvest as well, right? आपके पहले के पिक्चर्स आप बोल रहे थे कि वहाँ पे प्रोजेक्शन था, राइट? वो जो आपने एक्सीडेंट से पहले की पिक्चर्स है और एक सर्जरी भी करवाई, उसके बाद से एकदम सपोर्ट चला गया. ओके ओके फाइन. सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस सेप्टोराइनोप्लास्टी विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिब हार्वेस्ट फॉर यू. थैंक यू. मेरे चोट लग गई थी बहुत पहले, सर्जरी हुआ था मेरा, तो मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी 10 से 15 साल पहले. फिर प्रॉब्लम वाले मैं कई जगह गए दिखाने में, मैंने सुनी सर की वीडियो देखी, तो मुझे इनका बात करने का तरीका ना बहुत अच्छा लगा. आधा घंटा तो बात करने से ठीक हो जाता है. तो मैं मेरी 18 तारीख डेट दे दी थी अपने यूपी लखनऊ में, मेरा ऑपरेशन उन्होंने बता दिया था जी. मेरे पास फाइल है जी, कल जो 18 निकल गई जी, उन्होंने मेरी डेट भी दे दी सारा काम जी जी. तो मैं जब मैंने देखी तो मैं सर के पास आ गया बेटा, और मैं यहाँ तो 3200 किलोमीटर दूर आया. आधा तो इनको बोलने से सही हो जाता, आप लोग बहुत अच्छे हैं स्टाफ. वहाँ पर थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा उनका, तो मैं वहाँ आ गया जी. हर जगह का डिफरेंट होता है जी मैम. बट आपका कैसा, आपको चोट लगी थी उसके बाद एक सर्जरी और उसके बाद एकदम फ्लैट हो गया जी जी. और मैम देखे वो नीचे हो जाता जा रहा है, और मैं नेट फ्लैट होती जा रही है, नोज फ्लैट होता है क्योंकि सपोर्ट नहीं है इसकी वजह से. तो उन्होंने पहले चेक किया था तो बोल रहे थे कि होल हो गए अंदाज में आपकी. होल हो गया जी अंदाज. उन्होंने मुझे दिखाए भी थे कैमरे पे, मैंने भी देखा है. ओके. अभी हमने स्कैन्स लिए हैं आपके, स्कैन में देखा है हमने सेप्टल वर्क हुआ है पहले आपका, और इसकी वजह से आपका नोज का सपोर्ट नहीं है, वो फ्लैट हो गया है. जी जी ठीक है. ओके ओके. इनको है काफ़ी प्रॉब्लम सेप्टम में, 2-4 सर्जरीज किए हैं इन्होंने, इसके बाद भी सेप्टम में इश्यूज है, सेप्टल सपोर्ट नहीं है. ये है जो सेप्टल सपोर्ट जिस पे नहीं है बोलते हैं, आप देख सकते हैं. तो इसके लिए हम रिब हार्वेस्ट करके सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके अलावा इनकी नोज़ के शेप को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा. तो ये सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन विथ राइनोप्लास्टी, और इसके लिए रिब हार्वेस्ट का प्लान है. और देखिए ऐसा तो थोड़ा फैला भी है, तो इसको विड्थ भी कम होगा लास्ट में, प्रोजेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन भी इसमें काफ़ी लेके आएंगे. ऐसे करने से आपको दर्द हो रहा है जी? लगता है दर्द होता है. कहाँ दर्द हो रहा है? अंदर ऐसा लगता है यहाँ पे हो रहा है कुछ, जस्ट अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा. दर्द नहीं है ना? क्या होता है? आदत पड़ गई है ना, मुझे दर्द सा हो गया. दर्द सा हो रहा है ठीक है. ओके थैंक यू. We also tip graft. Apart from this, we're also going to be working on the alar base at the very end. Mm-hmm.
धीरे से दर्द होगा, सॉरी सॉरी, इसका कुछ नहीं है, जो यहाँ और उतना ज़्यादा है। सो दिस वॉज नॉट ओनली राइनोप्लास्टी, नॉट ओनली सेप्टल प्लास्टी, ऑल्सो सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन, वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ही हैड सर्जरी डन बिफोर एंड वॉज अ रिविजन प्रोसीजर। Taking off the spleen. हो गया बेटा, एक सेकेंड, जस्ट अ लिटिल बिट, हो गया, हो गया अभी। सो वॉट यू सी इज 7 days later and we're going to show you. So a lot of work has been done on the septum because we have done a septal reconstruction for him. And you can see now, aap dekh sakte ho. So the main issue, because he had a septal issue, no tip support, hence you can see the dip here of the dorsum. Nose bit too wide, the width and the length, the height was not proportional. Now you can see the tip support. Sorry, it's a little tender for him because it's still from the reconstruction. Upar dekhiye. Okay. हाँ वहाँ पे सेंसिटिव है आपका ज़्यादा, वो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज अंदर से पूरा करके रखा है इसीलिए, ठीक है ना। एनीवे रिजल्ट अच्छा है, साइड में देखो ऐसे, नीचे भी देख सकते हो, पहले ऐसे देखो, ये जो फ्लैट था, राउंड था, अभी तो शेप अच्छा हो गया। हाँ yeah. और ये साइड देखिए कितना प्रोजेक्शन है अभी, और एंगल भी देखो आप, ये देखो पहले ऊपर की जा रहा था, आपने बताया मुझे लंबा चाहिए और, तो नोज का लेंथ भी बढ़ाया है, आपके फेस को भी ज़्यादा सूट करेगा। ये जो नोज आपकी पहली थी, लेस देन 1/3 ऑफ योर फेस, अभी तो मतलब पूरा करेक्ट प्रोपोर्शन में भी कर दिया है, यहाँ से थोड़ा लेंथ किया है और यहाँ से भी थोड़ा सा, और ये जो कर्व था पूरा स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट कर दिया है। ओके और देखो आपको और भी केयर लेना है, नॉर्मल पेशेंट्स को हम 4 हफ्ता बोलते हैं, आपको 8 हफ्ता भी हो सकता है। सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन किया है, सेप्टल रिब निकाल के अंदर लगाया है, बहुत ही केयर लेना है आपको, नाक कहीं लगे, नाक से खून आए, मतलब डेंजर है, बिल्कुल टच नहीं होना, बिल्कुल 1 month रेस्ट लो, 2 months एक्सरसाइज भी मत करो, ज़्यादा ब्लो करना, स्नीज करना भी मना है, उसके लिए भी हम टैबलेट देंगे आपको, स्वेलिंग के लिए भी टैबलेट मिलेगा आपको 2-3 हफ्ता के लिए, और एंटी हिस्टेमिनिक भी मिलेगा 10 दिन के लिए, ताकि आपको एलर्जी ये भी ना आए, ठीक है ना। और सर अब यूज़ भी देख लीजिए आप, तो उस तरह दिखाओ, यू कैन शो द डिफरेंट व्यूज। सो वी हैव टू सी हाउ वी कैन डू दिस पार्ट, it's going to be messy, I'm telling you, doing this. So आप कैसे लग रहा है आपको बताइए, खुश है? और हाँ आपको थोड़ा दर्द है, रिब लिया वहाँ पे दर्द हो रहा है? दर्द तो कहीं नहीं हुआ, हिला तो वो तो होता ही है। हाँ हीलिंग जब तक नहीं होगा ना पूरा तब तक, अब ठीक है ना, वो एनेस्थीसिया की वजह से। तो जो हम दवा देंगे आपको 5 और दिन के लिए, वो भी सही से लीजिए। जब आप जाएंगे यहाँ से, हमारे डॉक्टर का भी नंबर मिलेगा, मेरा नंबर भी मिलेगा, सब नंबर आपको मिलेगा, अगर कोई मतलब इश्यू है तो फौरन कांटेक्ट करो, लेकिन आपको बहुत ध्यान लेना है इसमें, मतलब कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अभी स्टिचेस निकाल देंगे,
और रिब का भी निकालेंगे, लेकिन आपको फिर भी ख्याल रखना पड़ेगा। कल निकालेंगे, आप कल सवेरे निकल रहे हो ना, कल जब इंजेक्शन लगेगा तब निकालेंगे स्टिचेस, अभी रहने दो ऐसे। हाँ या लेट हिम, लेट अस टेक, या लेट हिम, लेट अस, लेट अस वेट फॉर वन एक्स्ट्रा डे, इफ इज अराउंड इट्स गुड। ठीक है, आपको सारा यहाँ पे कैसा लगा एक्सपीरियंस? सब अच्छा लगा आपके साथ। सब ठीक था ना जी? सब बहुत बढ़िया। ये मैडम तो बहुत अच्छी है। ये मैडम बहुत अच्छी है, धन्यवाद। और आपको मतलब और भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, दर्द नहीं था ज़्यादा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना? क्योंकि याद है हमने आपको बताया आपका डिफ़िकल्ट केस है, पहले सर्जरी में आपका जो अंदर से पूरा निकाल दिया था ना, वो मेजर मेजर केस है आपका। जी, वो अभी हमारे जो है मतलब सब्सक्राइबर या जो भी देख रहे हैं उनको तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने आपको स्कैन देखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हर पेशेंट को नहीं बताते ऐसे। तो इसके बैकग्राउंड में आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अंदर से हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो बताना हॉल हुआ है, तो अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन 4 हफ्ता 6 हफ्ता लगेगा। जी, एक बार सर्जरी होने के बाद जब कुछ गलत होता है या कुछ सही नहीं होता, तब उसको हम वापस करते वक्त नॉर्मल से एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, इसलिए हम आपको 2 महीना बोल रहे हैं। अभी तक ठीक है, बट आगे भी ठीक होने के लिए आप ज़्यादातर क्या लेना है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, राइट।